हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सॉरी फॉर द लेट व्लॉग। ये मेरा सेकेंड डे इन पालमा, उसका व्लॉग मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। सो आई एम सो सॉरी। सो एन्जॉय करें ये व्यू और देखें हम लोग सेकेंड डे पे कहाँ कहाँ गए हुए हैं और कहाँ हमने एन्जॉय किया। आई शो यू ऑल दिस स्टफ। और ये हमारा ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों मिक्स, चिकन के साथ सैलड्स एंड चिप्स। ये हमारा 3 बजे वाला नाश्ता था। देन वी आर ऑफ टू अ सिटी टू। इसने इसने जलील किया है हमें। जलील मतलब हद होती है किसी बंदे को तंग करने की ना। इतना यहाँ पे स्ट्रिक्ट है लेकिन किसी दुकान वाले के पास मास्क नहीं मिलता। हम लोग कोई 1 किलोमीटर चल के आए हैं और हमें एक दुकान से मास्क मिला है और हमने अपनी बस कहाँ पीछे छोड़ दी हुई है। समझ नहीं आती किस तरह इसने जलील किया है मुझे। बहुत ज्यादा चला चला के ऊपर से मेरे शूज जो मुझे सबसे ज्यादा तंग कर रहे हैं। उफ। ये ना रुत्वी हाथ में अपने जीपीएस पकड़ लेती है। इतना चलाती है इतना चलाती है। कल रात को इसने मेरे को इतना चलाया है ना। मैंने इतने लॉन्ग शूज पहने हुए थे ऊपर से हील वाले, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। और ये ना ऐसे जीपीएस जैसा मैडम घूमती है वैसे घूमती है। कहती है यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर करती रहती है और घुमाती है मेरे को। मैंने अपने शूज भी चेंज करने पड़े इसकी वजह से। वी आर हियर इन सिटी ऑफ पालमा। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे सेंटर में पालमा के। वहाँ पे कैथेड्रल जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, बिग अट्रैक्शन था कैथेड्रल, वहाँ वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। सो ये सिटी एरिया था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव हुआ हुआ था क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम से। सो ये उसका पैसेज वाला एरिया था, सेंटर था। यहाँ पे सारी ल्यूई विटॉन, गुची, डियोर और ज़ारा बहुत बड़े बड़े स्टोर्स थे। और बहुत अच्छा ये ना इसका लोकेशन भी बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे थे। एंड हियर वी आर एट द सेंटर ऑफ द कैथेड्रल। और ये पूरा है ना, हमने कैथेड्रल को चारों तरफ से देखा है, बहुत ही खूबसूरत था। और इट्स अ बिग अट्रैक्शन है ये पालमा का। और ये है मैन कैथेड्रल ना, इसका जो फ्रंट वाला लुक है वो ये है। इतना बड़ा है ये और बहुत ही खूबसूरत लगता था। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो इट्स ऑल गोल्डन। और उसी के सामने ये है ना एक राउंड सा बना हुआ था और जिसके ऊपर ना मंथ्स के नेम लिखे हुए थे। और पुराने ज़माने में मे भी होता होगा, जो हमने वहाँ पर जाना है, इस तरह होता होगा कि ये जब सूरज की किरणें जब जिस तरह पड़ती है ना, उसका उन्होंने उसका ना मतलब मेज़रमेंट करके और है ना मंथ के नाम से कौन सी सीज़न कब लगती है उसके ऊपर यहाँ पे ना मेज़र किया हुआ था। अच्छा रुत्वी क्या सपनाया था इसको ना, शिप में एक सपनाया था, वो सुना रही है। मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लूँ मैं इसको। तो सपने में ऐसा था कि हम लोग फोटो खींच रहे थे और मेरा फोन गिर गया, तो मैंने जंप किया क्योंकि मुझे स्विमिंग तो आती है, तो फोन तो पकड़ लिया और पानी इतना डीप था कि पता ही नहीं चला आगे कुछ और मैं उठ गई।
इससे बड़े पागलों वाले सपने आते हैं। कभी है ना फ्लाइट में से कूदती है तो कभी शिप में से कूद जाती है, कभी कहती है मेरा क्रैश होने लगा है। इसकी फ्लाइटें बड़ी क्रैश होती है। नहीं अभी ना वो क्या कहते हैं, नहीं क्या रुद्वी, नहीं कौन याद आ जाता है तेरे को, मेल्डी माई से याद आ जाती है। वो कहती है मेल्डी मामा ने बचा ही ले जा। फिर है ना मेल्डी माई इसको बचा लेते हैं, बट टर्बुलेंस में तो भगवान ही याद आ जाएंगे। रुको ना फोटो तो लेनी, वापस जाके ना डायट शुरू करने वाली है। आई एम सो ब्लोटेड। ट्रैवलिंग कैलोरी डोंट काउंट, हैव फन। एंड दिस इज अ नाइट व्यू ऑफ द सेंटर ऑफ पाल्मा। सो बहुत ही खूबसूरत व्यू था और इतना प्यारा डेकोरेशन था, इतना प्यारा डेकोरेशन था, एंड ऑल गोल्डन इतना खूबसूरत था। एंड चलते चलते हमें ये ड्यू विटॉन का शोरूम दिखा गया है, तो बाहर उसका इतना अच्छा अट्रैक्शन किया हुआ था, जैसे हम लोग बचपन में वो ब्लॉक्स के साथ घर नहीं बनाते थे, उस ब्लॉक के साथ यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। रुद्वी, यस, पायलट बन जाएगी तो कौन सा बैग लेंगे हम लोग? लुई विटॉन। And for me, Jair. Yeah, वो भी टोटे बैग। Jair का टोटे बैग चाहिए मुझे, बड़ा वाला ट्रैवलिंग बैग, और रुद्वी के लिए लुई विटॉन। मतलब हमारी तो हैसियत नहीं है अभी, मेरी इसकी है। Look at her bag. And look at mine. गरीब इंसान हम। माइकल को लेके भी गरीबी। मतलब माइकल को लेके भी गरीबी है हम। उफ। इतना ज़्यादा पूरे दिन घूमने के बाद थक हार के हम लोग ने सोचा चले अच्छा सा कोई डिनर करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर आ गए एज अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। रुद्वी का बड़ा दिल था कि हम लोग चाइनीज़ खाएंगे आज, सो हमने चाइनीज़ रेस्टोरेंट ढूंढी और एंड शी हैव हर ओन डिनर।
noodles with chicken and some wine. Sorry, because मेरे को पता नहीं चलता क्या है. It's beer. Without alcohol. With lemon. अच्छा फिर कल का क्या प्रोग्राम है ऋतु? कल मॉर्निंग में 6 बजे उठ के हम निकलेंगे because we have to do the week, click some photos and then we have to go shopping a little for her husband. And then we'll go to the cruise. और सुबह 6 बजे उठ जाएगी तू? Yes. Sure? Yes. I will record, okay? And this is my food. Okay, bye-bye. And here I am adding some videos जो हमने वहाँ पे सेंटर में लिए थी, जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था. सो इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. टिल देन गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फिर मिलेंगे, बाय बाय.